गलती से? ऐसे कैसे गलती से चाय गिर सकती है? वही नहीं शुभांगी, मैंने तुझे बताया ना, मावशी के हाथ से कप छूट गया और चाय गिर गई। वही नहीं, ऐसे कैसे कप छूट सकता है? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ वही नहीं, आपने जो कुछ भी बताया उसके हिसाब से मावशी बेड के ऊपर बैठी थी, बरोबर? बरोबर। उनके हाथ में चाय थी और मोही कचरा उठाने के लिए नीचे झुकी थी, तो अगर चाय गिरती भी तो पहले मावशी के ऊपर गिरती या फिर बेड के ऊपर, जबकि मावशी के तो कपड़े तक खराब नहीं हुए हैं। वही नहीं शुभांगी, तो क्या कहना चाह रही है कि मावशी ने जानबूझ के चाय गिराई? हो भी सकता है। नहीं नहीं, मावशी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरे हिसाब से तो कर सकती है। वही नहीं, आप भूल गई क्या, मोही ने सबके सामने उनसे सॉरी बुलवाया है। अब समझ में आ रहा है मुझे कुछ कुछ। बहनी इसीलिए तो सुबह सबके सामने मावशी ने सबको ये भरोसा दिलवाया कि मोही के लिए उनके मन में कोई भी भेदभाव नहीं है, ताकि जब भी मौका मिले वो मोही से बदला ले ले। नहीं नहीं शुभांगी, मावशी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और तू भी अपने मुंह से ये बात मत निकाल, नहीं मावशी ने सुन लिया ना तो हंगामा हो जाएगा। मैं मुंह से बोलू या दिल में रखू, पर लगता तो यही है कि मावशी ने ये सब जानबूझ के किया है। दर्द कैसे है तेरा? अरे कुछ दवा वगैरह लगाई या नहीं, ये ऐसी घूम रही है? नहीं, आलमा ने दवाई लगा के दी, उससे हमारा दर्द भी ठीक हो गया और जलन भी नहीं हो रही है। हाँ स्वाति, तो घबरा गई होगी ना, पूछ रही होगी कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, है ना? हाँ बहुत घबरा गए थे। उनकी बहुत चिंता है, बहुत अच्छी है ना आईमा? हाँ हाँ पता है मुझे। अरे स्वाति है ही ऐसी, किसी की भी तकलीफ ना नहीं देख सकती। तूने क्या बताया उसे? वही जो हुआ था कि आपके हाथ से गलती से प्याला गिर गया और हमारे पीठ पे चाय गिर गई। तो आप क्या पूछ रही हो? अरे कितनी भोली है ना तू। अरे मैं स्वाति को जानती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए होंगे ना, रो पड़ी होगी। आंसू तो आ गए थे उसकी आंखों में। बहुत अच्छी है ना आईना, सबका कितना ख्याल रखती है। हाँ पता है मुझे, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही हो। कुछ कहा क्या उसने? नहीं नहीं आईना ने तो आपका नाम भी नहीं लिया। इसका मतलब किसी को भी शक नहीं हुआ है मुझ पर अब तक? सुन इधर आ, ये ले ये अखरोट खा। नहीं हमें नहीं चाहिए, आप खाओ। अरे क्या नहीं, हाँ ना सच्ची माँ आप खाओ, हमें नहीं चाहिए। ओहो शर्मा क्यों रही है, मैं दे रही हूँ ना, ले ले ना। ठीक है मैं देती हूँ तुझे। पता अखरोट खाना चाहिए, उसके खाने से है ना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये ले। वहां बैठ के खाना, खाओ।
आराम से खा। अरे सफाई तो बाद में भी होती रहेगी। ए मोही, क्या हुआ तेरे को? अरे मोही, अरे ए स्वाति, ए शुभांगी, देखो जरा मोही को क्या हुआ। क्या हुआ मौशी? अरे देखो क्या हुआ मौशी, कहाँ से क्या हुआ मोही? देखो क्या हुआ मोही, आजा बैठ जा यहाँ पर, बैठ तू। अंजलि पानी लेके आना प्लीज। आजा। अरे मैंने इसे अखरोट दिए थे खाने को, अच्छा खासा बैठ के खा रही थी, पता नहीं एकदम से खांसने लगी, भागकर यहाँ आ गई। अरे देवा, कहीं अखरोट फंस तो नहीं गया इसके गले में? हाँ दे, पानी पानी ना, मैं इसे अखरोट देती ना इसकी हालत होती। ये मत सोचना मैंने तो सिर्फ इसे अखरोट दिए थे खाने को, मैंने किया कुछ भी नहीं। हाँ मौसी पता है, अब कितनी बार बताएंगे, आप टेंशन मत लो। मुझे बेटा धीरे से सांस ले। क्या हो रहा है? बहुत तकलीफ हो रही है, सांस लेने की कोशिश कर। आई ठीक कर रही, तो घर पे नहीं है, पता नहीं कहीं बाहर गई है। मुझे तुम्हें क्या हो रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रही मौसी, अब क्या करेंगे? वो दवाई पानी। क्या हो रहा है? वो जोर जोर से खांस रही है, वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही, इतने घर पे कोई भी नहीं है। पर ये हुआ कैसे? आई डोंट नो, अखरोट खा रही थी और शायद वही गले में फंस गया। भाभी अब जल्दी से आ जाइए ना प्लीज, मैं तो पूरे से बाहर आई हूँ, मैं सिलेक्शन कैंप पर जा रही थी, मुझे तो आगे आगे बहुत लेट हो जाएगा। ओह गॉड, अब हम क्या करेंगे? ओके डोंट पैनिक, तो मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं डैड से बात करती हूँ, वो सब हैंडल कर देंगे। ओके ठीक है भाई। आई हमें मोही को अभी दीक्षित हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मोही चलिए, चल बेटा चलो बेटा, काफी पास है, आराम से आ, आराम से। डॉक्टर कुलकर्णी उन्हीं का वो बहुत अर्जेंट है। डॉक्टर कुलकर्णी भी नहीं है, घंटे भर पहले निकल चुके हैं, उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी। ठीक है शीतल, एक काम करो, किसी को भी भेज के डैड को एक मैसेज पास ऑन कर दो कि मोही नाम की लड़की आने वाली है, इमरजेंसी केस है, प्लीज डील विद इट। और जैसे ही डैड को मैसेज पास ऑन कर दिया मुझे कॉल करना। ओके ओके बाय। लेट जाओ डॉक्टर, मैंने कहा मोही की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज बुलाइए ना उन्हें। फर्स्ट टाइम वो आते ही होंगे, आप प्लीज जल्दी उन्हें बुलाइए। देखिए ना क्या हुआ, ओके क्विक। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाए, शुड बी ऑलराइट। You just wait here. Everything will be all right. Wait. Hello? Yes, Anusha Bhabhi. नहीं नहीं भाभी, वो एक्चुअल क्या है, विनय अंकल आ गए हैं और उन्होंने ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया है, कहा मुझे बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा उसे। भाभी मैं आपको बाद में फोन करूं, वो घर से फोन आ रहा है। या नो प्रॉब्लम, और जैसे ही मोही की कंडीशन अच्छी हो जाए मुझे कॉल करना। या श्योर, बाय बाय। हेलो, कैसी तबीयत है मोही की?
चाहती है। उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। चलो भगवान का शुक्र है। अच्छा तू तू अच्छे से ध्यान रखना उसका और फोन करती रहना मुझे, ठीक है? अभी रखती हूँ आई, बाय बाय। क्या हुआ वहीं? अंजलि का फोन था, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर विनय मोही का इलाज कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। थैंक गॉड। अब वहीं मैंने शरद को फोन कर दिया था, वो भी जल्दी आ रहे हैं घर पे। अच्छा किया तुमने। ये शरद को क्यों बुलाया? शरद क्या कर लेगा? कोई डॉक्टर है वो जो आते से ही मोहित का इलाज करेगा? अंजलि लेकर गई है ना अस्पताल, उस बेड़ी को अगर कुछ होना होगा ना तो होगा ही, उसमें शरद क्या करेगा? बेकार में परेशान किया उसको। मौसी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? और मोही को क्यों कुछ होगा? डॉक्टर विनय ने कह दिया है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हे विठला, ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? अरे मैंने कब कहा कि उसे कुछ हो जाएगा? और अगर उसे कुछ हो गया ना तो मुझे दोष मत देना। अरे मैंने तो उसके भले के लिए उसे अखरोट खिलाए थे, मुझे क्या पता था इतना बड़ा तमाशा शुरू हो जाएगा। शी आपको कोई नहीं दोष दे रहा और ना ही देगा। अभी तो बस हम सबको मिलके मोही के ठीक होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। करा। मोही को किसी चीज की एलर्जी हुई है, इसने कुछ सूंघा था, कुछ पिया था या कुछ ऐसा खाया था जिसकी वजह से इसकी बॉडी ने ऐसे रिएक्ट किया। ब्रेथलेसनेस होने से पहले क्या खाया था इसने? हाँ वो अखरोट खाया था इसने, एंड आई थिंक उसी के बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। क्या अखरोट? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।